अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मोइस और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू बी साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्लाइड रेवोल्यूशन का वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हम बनाने वाले हैं, हाउ टू यूज स्लाइड रेवोल्यूशन इन आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो हमने सर दोस्तों प्लगइन एक्टिवेट किया हुआ है, प्लगइन एक्टिवेट आप लोगों को करना आता है, इसमें इंस्टॉल कर एक्टिवेट करा कोई इशू नहीं आता। हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे, मजीद जो उसकी स्लाइड कैसे बनता है, उसे यूज़ कैसे करते हैं वो आगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस बता दूँ कि भाई ये न्यू मॉड्यूल यानी कि न्यू यहाँ पे स्लाइडर आप क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू मॉड्यूल फॉर टेम्पलेट जाएंगे क्या होता है, की अगर पड़ी है, की अगर आपने यूज़ करी है तो ये सारे मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मेरे पास की नहीं इसलिए ये नहीं चलेगा। ठीक, तो जिसके पास की है आप परचेज़ किया तो वो प्लग इन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसका मॉड्यूल ये इम्पोर्ट कर सकते हैं। और एडॉन्स के अंदर ये एडॉन्स भी है कि आप कौन सा एफेक्ट यूज़ करना है वो उसके एडॉन्स है, ये भी पेड होते हैं। ठीक है, अगर आपने पेड इसके मॉड्यूल परचेज करें तो एडॉन्स भी इसके आने चाहिए। ठीक, तो मैं आता हूँ आगे वीडियो की तरफ। न्यू ब्लैंक मॉड्यूल हम क्लिक करेंगे, हम एक स्लाइडर क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर अपने पेज के ऊपर यूज़ करेंगे, होम पेज के ऊपर। ये मैं कह रहा है गाइड की नीट, हमने कहा नहीं भाई गाइड की नीट नहीं है, क्वाइट गाइड। ठीक, फिलहाल यहाँ पे ये बता रहा है भाई किस साइज़ की स्क्रीन के ऊपर आपको क्या कहते हैं स्लाइडर अपने दिखाना है, ये आपकी पूरी विड्थ दिखा रहा है। ठीक, और ये बता रहा है कि भाई डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, आईपैड है, यानी टैबलेट है या मोबाइल है। ठीक है, आपको अगर कस्टम अपनी विड्थ देनी है तो यहाँ से आपको आपको दिखाऊंगा कहाँ से सेट होंगी सारी चीज़ें। फिलहाल यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि आपको इनेबल करना है कस्टम विड्थ या डिफ़ॉल्ट जो स्लाइडर रेवोल्यूशन की अपनी है वो रखनी है। मैं फिर डिफ़ॉल्ट, अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट चल रही है वही मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे स्लाइड लेयर्स क्रिएट करने का ऑप्शन है कि भाई ग्लोबली लेयर्स पे काम करना है, हर लेयर पे काम हो या फिर एक ही अलग अलग स्लाइड करे काम करने। मैंने कहा भाई एक न्यू स्लाइड ले ली मैंने क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। सही है, अब मैं आया अपने ऑप्शंस की तरफ आता हूँ। हम आएंगे स्टाइल में, आ जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आएंगे। ठीक, यहाँ पर बता रहा है भाई टाइटल, टाइटल के अंदर ऑप्शन दे रहा है कि ये स्लाइडर का जो टाइटल है और स्लाइडर का एलियास यानी स्लग जो होता है ये शॉर्ट कोड। ठीक है, फिलहाल अगर हमारे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर अगर डब्ल्यू ई बेकरी डाला हुआ तो उसमें ऑलरेडी इसका एलिमेंट आ रहा होता है। हम होम पेज पे आएंगे। ठीक, होम पेज पे आया और मैंने इसको एडिट करा। पेज को एडिट करा और देखते हैं इसमें बिल्डर इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है तो हम कोई एलिमेंट यूज़ कर लेंगे बिल्डर में से स्लाइडर रेवोल्यूशन का, और अगर बिल्डर इंस्टॉल्ड नहीं हुआ हुआ तो फिर हम शॉर्ट कोड यूज़ करेंगे। शॉर्ट कोड वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, क्लासिक एडिटर डाल लेता हूँ उसमें। ठीक है, कस्टम कोड फिलहाल कस्टम कोड से भी हो सकता है काम, लेकिन हमारे पास कस्टम कोड अब नहीं देख रहे, हम जाके क्लासिक एडिटर का प्लग इंस्टॉल कर दें ताकि हमारे पास ये जो व्यू है बिल्डर जो ब्लॉक एडिटर है वो पुराना वाला आ जाए। मैंने यहाँ लिखा क्लासिक, ये बस इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं भी इंस्टॉल्ड कर लेता हूँ। फ्रंट पे पहला प्लगइन आ रहा होता पहला, ये देखिए ये मैंने इंस्टॉल्ड करा क्लासिक एडिटर का प्लगइन। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा भाई देख लेते हैं अभी। एक्टिवेट करा, प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है भाई, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, होम पेज पे आ गए हैं नीचे, दोबारा देखते हैं यहाँ ब्लॉक एडिटर हमारा चेंज हो गया, ओल्ड व्यू जो वर्जन हमारे पास क्लासिक एडिटर वो आ गया होगा वर्डप्रेस पे ब्लॉक एडिटर। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये हमें नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा कोड से। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ एलिमेंट के अंदर हमें स्लाइडर रेवोल्यूशन का एलिमेंट मिल जाएगा एडवांस। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं जाऊँगा, पहले मैं अपना एक स्लाइडर क्रिएट करूँगा। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं मैं जाके वहाँ पे इसको कॉल कराऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया होम स्लाइडर। ठीक, और इसको मैंने सेव किया और फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं करता, अभी मैं जाके सिर्फ इमेज इमेज कुछ ऐड नहीं कर रहा, मैं जाके इसको इसको पहले क्लोज करते हैं, यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, इसको मैं अपडेट करता हूँ एक बार पेज को। होम पेज के ऊपर या किसी भी जगह आप स्लाइडर कैसे शो करा सकते हैं।
इसको मैंने एडिट किया, यहाँ से ये सेलेक्ट होगा। ठीक, ये मैंने एक स्लाइडर क्रिएट किया था, यहाँ से मेरा स्लाइडर सेलेक्ट हो गया। और अगर आपको शॉर्ट कोड ऐड करना है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे शॉर्ट कोड और सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक में आके या किसी भी जगह आपको शो कराना है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर दिया और ये मेरे पास सेव हो गया इस तरह। ठीक है, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एलिमेंट से काम चलाएंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अपनी इसके लेआउट वाले ऑप्शन की तरफ आता हूँ। मैं लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर क्या बता रहा है भाई, क्या जो स्लाइडर की टाइप है कौन सी चाहिए, सीन वाला चाहिए, कैरोसल चाहिए, आपको स्लाइडर चाहिए। मैंने भाई फुल विड्थ चाहिए और स्लाइडर चाहिए। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा था कस्टम विड्थ का जो ऑप्शन होता है, कस्टम विड्थ का ऑप्शन यहाँ से आता है। ठीक है, ये अगर आप इनेबल करेंगे तो नोटबुक की जो विड्थ है यानी कि ये इनेबल हो जाएगा, अपने हिसाब से आप इसकी विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं। मैंने कहा फिलहाल मेरा डिफॉल्ट चाहिए, मोबाइल है, आईपैड है, डेस्कटॉप है, जो भी आपको अपने हिसाब से कस्टम विड्थ दे सकते हैं यहाँ से अपने लेआउट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, जो भी डिज़ाइन में आपका स्ट्रक्चर होगा, मैंने ये मैक्सिमम विड्थ जो भी होती है लेआउट का जो कंटेनर का साइज होता है। तो फिलहाल यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ आता हूँ। ये मैक्सिमम हाइट का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट नीचे आ रहे हैं, क्या आपको ब्रेक पॉइंट से खेलना है या एस्पेक्ट रेशियो से, ग्रिड मॉड्यूल से, मल्टीपल ऑप्शन है, एवरेज ऑप्शन जो आपको यूज़ करने से मतलब आप कर सकते हैं। ठीक, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, मतलब नॉर्मली ये यूज़ नहीं होते, हम लोग नॉर्मली ये वाले ऑप्शन यूज़ करते हैं, कस्टम विड्थ वाला करते हैं, स्लाइडर है कौन सा टाइप है ये करते हैं। ठीक है, कॉन्टेंट पर आ गया, कॉन्टेंट आपका कौन सा भाई, कस्टम है, यूट्यूब की वीडियो शो करानी है, वो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स हैं क्या है। मैंने कहा भाई कस्टम है नॉर्मली जो होती है हमारे पास। ठीक है, डिफॉल्ट्स सारे डिफॉल्ट पैसे रहेंगे, कुछ नहीं छेड़ना हमें। जनरल पे आ गए, जनरल पे भी देख लें आप टॉप ऑन होवर, आपको उसमें अगर चीज़ें छेड़नी है तो आप छेड़ सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे क्या हो और स्लाइड शो पे क्या काम होना चाहिए। मैं ऑन स्क्रॉल आ गया, ऑन स्क्रॉल कह रहा है भाई कि ये सारी चीज़ें कि भाई आपको टाइम लाइन चाहिए, एफएक्स इनेबल करने ही नहीं करने, पैरेलल इनेबल करना है कि नहीं करना इसमें। ठीक है, स्पिनर चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह शो स्पिनर इसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने कलर चेंज करना है भाई। ठीक है, मैंने कहा भाई रेड कर दो कलर, सही है, और इस तरह का कर दो, उससे इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया। एडवांस मैंने कहा अभी कोई एडवांस नहीं चाहिए फिलहाल हमें, एडवांस आ गया। लेजी लोडिंग चाहिए नहीं चाहिए, सही है, मैंने कहा भाई फिलहाल डिफॉल्ट ही रखो उसको, इन ऑप्शंस को अभी हमारी नीड नहीं है। ठीक, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है जेक्यूरी का तो ये पुट जेएस इनटू बॉडी आप सेलेक्ट कर देंगे और ये दोनों चेकबॉक्स ऑन कर देंगे, जो भी एरर आ गया सामने आपको दिख जाएगा। तो फिर ये उस मकसद के लिए कि अगर आपको जेक्यूरी का इशू आए, जेएस का इशू आए, तो आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और आगे आ गए, आ रहा हूँ स्लाइडर की तरफ भी आ रहा हूँ। ये यहाँ पे कस्टम, ये तो कस्टम जेएस लिख सकते हैं आप स्लाइडर की अपनी, ठीक है, अलग से जाके फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सर जेक्यूरी हो गया हमारे पास, अब आते हैं हम मॉडल की तरफ, अपने मॉडल के ये स्लाइडर है तो मॉडल खुलना है आपको, यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या रखनी है। ठीक है, सेंटर है, ये सारी ऑप्शन दिए हैं सारे इसके अंदर आपको। ठीक, ये ठीक है, अगर मॉडल खुलना है तो ये वाला शॉर्ट कोड यूज़ करेंगे आप स्लाइडर को इस तरह सेट करते हुए। ठीक, मैंने फ़िलहाल मॉडल नहीं बनाना, अभी स्किन चेंज करनी है, स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। और अब आ जाते हैं प्रोग्रेस बार, इसका आपको प्रोग्रेस बार नीड है कि नहीं है, फिलहाल नीड नहीं है प्रोग्रेस बार की। एरोज इनेबल करने का स्लाइडर के लेफ्ट अराउंड एरो आते हैं, ये देखें, यहाँ से आप उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सही है, देखिए स्लाइडर चेंज, इसकी एनिमेशन इस पर सेट कर सकते हैं आप, राइट एरो की अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट एरो की अलाइनमेंट है। ठीक, और इसमें डायरेक्शन आर टी एल का ऑप्शन भी है, नेविगेशन स्टाइल, बैकग्राउंड कौन सा चाहिए भाई, इसमें ये स्टाइलिंग ऑप्शन है इसके सारे। बुलेट्स इनेबल करने नहीं करने, नीचे जो बुलेट्स आए थे आपके पास, ठीक, मैंने ये देखें बुलेट्स आ गए यहाँ पे, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर लें, इसमें तो कोई मसला नहीं है सर, ये आ रहे हैं बॉटम में बुलेट्स, ये स्टाइलिंग ऑप्शन है इसके सारे, यहाँ से आप खेल सकते हैं सारी चीज़ें। अब मैं टैप्स पर आ जाता हूँ, टैप्स टाइप चाहिए आपको, मैंने ये टैप्स टाइप स्लाइडर भी यहाँ से बन जाता है। ठीक, मैं भी आपको उसको ऑप्शन बता रहा हूँ कौन कौन से कैसे बन सकते हैं, फिर आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कौन सा स्लाइडर कैसे बनाने, इसको ऑप्शन से आपको आगाह कर रहा हूँ मैं। थम टैप चाहिए भाई, ये पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ टैप्स को, ठीक है, थम
ये इस तरह आएगा। सही है कि थंब टाइप स्लाइडर चाहिए आपको, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये देखिए ठीक, प्रीव्यू और साइज फिलहाल अभी नहीं है। टच मोबाइल के लिए इनेबल करना आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसी सेटिंग करना चाहें आप। कीबोर्ड एरो नेविगेशन ठीक है, इनेबल कर दिया हमने भाई। माउस, माउस का कुछ नहीं करना, मैं सेटिंग सेटिंग नहीं है। ये नेविगेशन एडिटर है, जो भी नेविगेशन में आप सी एस चेंज करनी है वो सारी कर सकते हैं। ये आपको हाथ के यहाँ सारी सी एस चेंज करें और यहाँ पर आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। तो अब मैं आता हूँ अपने बैकग्राउंड की तरफ। मुझे इमेज चाहिए, मुझे यूट्यूब की वीडियो चाहिए, यहाँ पर URL ID डालेंगे तो कनेक्ट करेंगे सारी चीज़ें। मैंने कहा भाई मुझे इमेज चाहिए, तो मीडिया लाइब्रेरी में गया, मैंने यहाँ से इमेज ले लेता हूँ एक। ठीक है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके ले आता हूँ इधर। ये देखिए हमारी एक इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा ऑप्शंस क्या है हमारे पास? दूसरे ऑप्शंस हैं कि भाई इस थंबनेल मॉडल, एडमिन थंबनेल ना, ठीक, इसके अंदर ऑप्शन यहाँ से देखते हैं। फिलहाल हमें इसकी नीड नहीं है, हमें नेविगेशन थंबनेल की नीड है तो हमने ले लिया। ठीक है, मॉड्यूल एडमिन, अच्छा सही है, बैकग्राउंड हो गया, ये एडमिन है, एनिमेशन हो गया। एनिमेशन आपको किस तरह का चाहिए भाई? ये देखिए दिखा रहा है एनिमेशन, स्लाइड के ऊपर एनिमेशन कैसे चाहिए आपको, कॉलम में चाहिए, रोज में चाहिए, सारे बता रहे हैं, ये सारे ऑप्शन इसके। ठीक है जी, ये देखिए फिल्टर है इसके अंदर, फिल्टर आप बैकग्राउंड के चेंज कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार है इसमें, स्टॉप स्लाइडर प्रोग्रेस, ठीक। और अब मैं इसमें आता हूँ बेसिक, जो वापस लेयर्स थी, अब लेयर्स पे आते हैं। ये वाला पार्ट हम देख लें, हमने फिलहाल ऑप्शंस अपने देख लिए, ये वाले ऑप्शन तक हम पहुँचे, नेविगेशन ऑप्शन तक। ठीक है, नेविगेशन हो गया और बैकग्राउंड ऑप्शन तक हो गया हमारा। अब हम ये वाला ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलहाल आपको लेयर्स का बता देता हूँ मैं कि लेयर पे कैसे खेलना है। ये आपका फॉन्ट साइज आ गया, हमने कहा भाई फॉन्ट साइज यहाँ पे, मैंने कहा इसको बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, फॉन्ट साइज आपका ये आ गया, ये आपकी वेट आ गया, फॉन्ट वेट आ गया। ठीक है, ये आपका फॉन्ट फैमिली आ गया, ये कलर आ गया आपका। ठीक है जी, बैकग्राउंड के ऑप्शन हैं सारे, स्पेसिंग के हैं, बॉर्डर के हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका कंटेनर के अंदर कह रहा है भाई, कंटेनर के अंदर ये साइज है। ठीक, और इसी तरह आपको कोई वर्डप्रेस से लाइब्रेरी से इमेज लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। सही, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हमने कहा भाई ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मीडियम साइज में, तो ऑब्जेक्ट लोड नहीं हो रहा। चलो ठीक है जी, यहाँ कोई दूसरी इमेज ले सकते हैं, वैसे इमेज नहीं आ रही, तो इमेज के अंदर यहाँ से आप कोई भी इमेज ले लें। हमें इमेज क्रिएट नहीं, ऑलरेडी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। बटन आपका ले सकते हैं, आप यहाँ बटन सेटिंग कर सकते हैं आराम से अपनी, तो आपको बटन किस तरह का चाहिए या फिर कस्टम चाहिए। ठीक है, बटन आपने यहाँ पे ले लिया, सही बटन ले लिया, और इसको इसको यहाँ से शेडो देना है तो शेडो दे दें कोई। ठीक है, अलग से जो आपको ऑप्शन चाहिए इसमें, और फिलहाल मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बटन यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक, और टेक्स्ट के अलाइनमेंट, ठीक है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आइकन देना है, कोई आइकन दे सकते हैं यहाँ से इसके साथ आप टेक्स्ट के। ठीक है जी, इसी तरीके से मेटा कोई चीज़ यहाँ से उठानी है आपको तो उठा सकते हैं। फिलहाल हमें मेटा करनी चाहिए कुछ भी यहाँ से, और फिलहाल ये जो ये लेयर्स वाला पार्ट है आप अलग से स्लाइड करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ये वाला लेयर्स वाला पार्ट और ये आगे लेयर ऑप्शंस वाला पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। और ये आपको सबसे पहले इसको मैं होम पेज पे दिखाता हूँ ये कैसा शो हो रहा है। मैं गया व्यू पे, इस वीडियो में से आपको इंट्रो देना है ऑप्शन का,
कि ये आपको दिखता कैसा है, ठीक है, कि ये शो कैसे होगा, ठीक है जी। और फिलहाल ये देखिए हमारे पास स्लाइडर आ रहा है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं इस पे एरो वाले ऑप्शंस पे आते हैं, तो एरो वाला ऑप्शन था हमारे पास, कहाँ गया, ये जी एरोज आ रहा है, एरोज इनेबल हुआ है। अच्छा स्लाइड, दो स्लाइड होनी चाहिए, दैट्स ओके। तो हमने कहा भाई यहाँ पे एक मिनट, स्लाइड डुप्लीकेट यहाँ से ऐसे होगी, इस पर आप ओवर करेंगे, ये देखिए दो स्लाइड हो गई। तो ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पास एरोज भी आ गए, बुलेट्स भी आ गए। ये हमने इसको थंबनेल लगाया था तो उसको उसको ऐसा इशू आ रहा है, एक मिनट। तो ये रिसेट करते हैं, ये रिसेट करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है जी। तो मैं रिफ्रेश किया यहाँ पे, एडमिन थंबनेल आ रहा है यहाँ पे, फिलहाल ये आएगा, कट कट कट, अपना थंबनेल हटा दिए और इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, सेव कर दिया और ये हमारे पास यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे फिलहाल हमें एरोस के अंदर बुलेट्स नहीं चाहिए तो बुलेट्स को हम डिसेबल कर देंगे, तो हमारे पास ही बुलेट डिसेबल होगा, रिफ्रेश किया हमने, ये देखिए स्लाइडर हमारे पास ऐसे आ रहा है। हम इमेज अपनी दूसरी चेंज करनी है, स्लाइड यहाँ पे स्लाइड वन में गए, ठीक है। मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ इमेज वाले पार्ट पे गया, सेकंड लास्ट, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी से मैंने दूसरी इमेज इम्पोर्ट करी, मैंने कहा मुझे भाई ये वाली इमेज चाहिए, यहाँ ये इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, ड्रैग करके उन्हें डायलॉग आप अपलोड फाइल में भी कर सकते हैं। सेव किया इसको, सेव करके इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, अगली स्लाइड डिफरेंट होगी तो पता चल जाएगा इसका, हमें रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है जी। ये देखिए आप लोग आइडिया, इसमें एनिमेशन भी लगे हुए हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन है, ये इंट्रो वीडियो दी ऑप्शन बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लाइडर का बताऊंगा, स्लाइडर प्रॉपर कैसे बनता है पूरा, और मोबाइल पे कैसे यूज़ होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।